अलग ही घटना है। चार दिन से वहाँ पर एक HS रहता है, पूरी गली वालों को उसने दुखी कर रखा है, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करता है, पशु बलि चढ़ाता है। उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, चार दिन पहले FIR कटी उसके खिलाफ, पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया, पर उसका परिवार वहाँ के स्थानीय लोगों को अभी भी दुखी कर रहा है। आदमियों को बलात्कार के झूठे मुकदमे में फंसाने में उसकी बहन धमकी देती है। रात को उन लोगों ने इन सब के सीमेंट के और चदरों के घरों पर पत्थर से वार किए और इनके ऊपर उल्टा ये इल्ज़ाम लगा दिया कि इन्होंने किया। 80 फीट उनका घर पीछे है, उस पर कोई केलू से हमला नहीं कर सकता और केलू इतनी दूर जाते, मिट्टी का केलू इतनी दूर नहीं फेंका जा सकता। उसके बावजूद भी हमने रात को पुलिस को बुलाया, पुलिस ने ठोस कार्रवाई नहीं करी और उन लोगों को गिरफ्तार भी नहीं किया। इसलिए हम वापस SP साहब के पास ज्ञापन देने आए हैं कि उस परिवार के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करें। उसकी माताजी, पिताजी, इन सारे लोगों को आए दिन गली में आके तलवार से मारने की धमकी दे रहे हैं। पहले वो पिंटू बांबी तलवार से हमला कर चुका है, दो जनों को घायल कर चुका है, उसके बावजूद भी आज भी यही घटना चल रही है। चार दिन से उसका पूरा परिवार 40 लोगों को लगातार परेशान किया जा रहा है। इसलिए हम SP साहब को ज्ञापन देना है, मीडिया से निवेदन है कि इन लोग गरीब लोगों को न्याय दिलाएं।